Hello everyone, this is Dr. Tanu Arora. I am a neurophysician. I am working as a neurophysician in Ravindra Hospital, Panipat. आज हम neuropathic pain के बारे में बात करेंगे. Neuropathic pain जो nerve से related होता है, generally daily routine life में जो हम cases most commonly देखते हैं वो cervical spondylosis और lumbosacral spondylosis से होते हैं, जिसे आम जनता cervical और sciatica के नाम से जानती है. इसमें पेशेंट को गर्दन में दर्द होता है जो कि बाजू में जाता है, या कमर में दर्द होता है और टांग में जाता है. इसके अलावा न्यूरोपैथिक पेन जो हम डेली रूटीन लाइफ में देखते हैं या डेली रूटीन ओपीडी में देखते हैं वो डायबिटीज पेशेंट में होते हैं, जिसमें पेशेंट को पैरों के तलवों में और हाथों में जनजनाहट होना, सुइयों जैसी चुभना, और अगर इसको ठीक से इसका इलाज ना करवाया जाए तो लेट स्टेज में सुन्नपन भी आ जाता है और हाथ पैर में कमजोरी भी आ जाती है. और ये वाले सिम्टम हमें जो पेशेंट अल्कोहल लेते हैं उनमें भी देखने को मिलते हैं, जिनमें उनके हाथ पैरों में नसों में काफ़ी दर्द होता है. और इसके अलावा जो कैंसर पेशेंट होते हैं जो कि कीमोथेरेपी पे होते हैं, कीमोथेरेपी के कारण भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, पेशेंट इन पेन से सफ़र करते हैं. इसके अलावा पेशेंट ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के हम केस देखते हैं, जिसमें पेशेंट को चेहरे के एक पार्ट में काफ़ी तेज़ दर्द होता है. जनरली पेशेंट दांत के दर्द से मिसगाइड होता है कि मुझे दांत में दर्द है इसलिए मुझे चेहरे के इस तरफ दर्द होता है, लेकिन वो एक ट्राइजेमिनल नर्व होती है उसके इन्वॉल्व होने से दर्द होता है. तो ये इनसे रिलेटेड आपको जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कम टू अस और यू कैन कंसल्ट नियर बाय न्यूरोफिजिशियन. थैंक यू.